माता जी कहीं पीछे चली कहीं पीछे चली गई। आज मंगलवार 25 अक्टूबर के दिन इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण था जो भारत में भी देखा गया। ग्रहण भारत के केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में से विजिबल नहीं था, शेष भारत में इसको आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सका। और संयोगवश क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसका आनंद लिया, बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने सुरक्षित तरीके से जहाँ संभव हुआ वहाँ पर इसको देखने का प्रयास किया गया। प्रयागराज में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ एक तरफ संगम के किनारे लोग जुटे, दूसरी ओर कॉलोनीज में और अपने अपने घरों में ये बहुत जिज्ञासा लोगों की रही कि वह सुरक्षित तरीका जाने और उस ग्रहण को देखें। रहा है इधर बना इसीलिए गया है और क्या है, जिसको अपनी जान प्यारी हो सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। ये हम जानते हैं कि सूर्य की
परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। और ऐसी अवस्था में जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और अगर वो छाया उसके छाया का केंद्र पृथ्वी तक पहुंचता है तो उस समय पूर्ण ग्रहण की स्थिति बनती है, जबकि जब वो छाया पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तब आंशिक ग्रहण की स्थिति बनती है। तो ये आज का ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण था। जहाँ तक प्रयागराज का प्रश्न है, लगभग सूर्य का 34% भाग सूर्य का लगभग 34% भाग चंद्रमा ने ढका, और वो फिर धीरे धीरे सूर्य ग्रहण की समाप्ति से पहले ही यहाँ पर सूर्यास्त हो गया। तो ग्रहण की पूरी अवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दी, लेकिन केवल 4:41 से लगभग सूर्यास्त के समय तक इसे यहाँ पर देखा जा सका। आज का जो ग्रहण पड़ रहा है ये बहुत दिनों के बाद ऐसा पुण्य अवसर मिला है। इस शास्त्रों में इसकी मान्यता है कि गंगायाम यदा अवारूढ़ सुतस्वय कोट सूर्य ग्रह सर्वे, इसका फल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान आज के ग्रहण का फल है। इसमें करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात सब पापों को विनाश करके आदमी जिस स्नान करने के बाद जैसा निर्मल स्वच्छ हो जाता है वैसा स्वच्छ हो जाता है, सब पापों का विनाश हो जाता है। वंशमण प्रसाद मिश्रा, ग्राम कपुरी, तहसील चुराहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। भूत भाव है जिसका, कोई पानी में तप कर रहा हो, कोई गोद में बैठा है, कोई जल में खड़ा होकर तप कर रहा है, ये तपस्या है। भाव एक नाम बताइए। नाम मेरा विजयलाल प्यासी।